अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बेसिकली बिजनेस में आई हूँ, मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अभी सेटल होने में टाइम लग रहा है ऑफ कोर्स, और अडेप्ट करने में रूटीन को और इस्मत को, घर को, हर चीज़ में टाइम लग रहा है। सो एनीवेज, लेकिन मैं बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। दूसरी बात ये कि मुझे पिछले व्लॉग में जो इंटरव्यू था उसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि क्या क्वेश्चंस हुए वहाँ पे इंटरव्यू में, क्या क्वेश्चंस थे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यार क्वेश्चंस ना, मतलब उन्होंने तकरीबन ना 3 घंटे का इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस ये थे कि मतलब रिलेटेड टू मैरिज, कि आपकी शादी कहाँ हुई, कब हुई, कौन सी डेट हुई, कितने लोग थे, और इवन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपके निकाह नामे में क्या कहते हैं उसको, गवाह कौन कौन थे, और कितने मेहमान थे, और मतलब इस तरह की हर डिटेल, हर डेट। और कोशिश ये करें कि जो आपने पेपर पे लिखा है ना, मेंशन किया हुआ, वही स्टोरी आपकी वाइफ का इंटरव्यू है या आपका है, तो आपको वही स्टोरी सेम एज इट इज़ बतानी है। अगर तो कुछ डिफरेंस हुआ या उनको लगा कि पेपर में कुछ और है, आपने कुछ और बताया, तो वो बहुत बैड सीन हो जाएगा। दूसरा ये कि और उन्होंने क्या, हाँ बार बार ये पूछ रहे कि आप शादी से खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, बहुत दफ़ा पूछा कि शायद मेरे मुँह से कुछ ऐसी चीज़ निकल आए, उनको कोई पॉइंट मिल जाए और वो जो है ना वो कुछ रिजेक्शन, कुछ इस तरह का सीन कर दे, लेकिन कॉन्फिडेंट रहें और अपने जवाब जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंटली दें। और दूसरी बात ये थी कि कुछ ऐसे मत के वो जो आप बोलेंगे ना वही लिखते जाएंगे, वो पीछे नहीं करेंगे, मतलब वो उसको इरेज करके आपका दोबारा से कोई जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं लेंगे, तो अपनी एक ही स्टेटमेंट रखें और वही कॉन्फिडेंटली बताएं। और इसके अलावा क्या है कि अपॉइंटमेंट जो है ना वो आप अप्लाई करते हो जब, तो वो तकरीबन 5 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं, तो अगर आपके 5-6 महीने हो गए हैं अभी तक कॉल नहीं आई, तो बस कॉल आने वाली होगी, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था, और आई गेस यही क्वेश्चन थे, तो आई होप यू आर क्लियर। सो बाकी आज जो है ना हम जाएंगे कुछ एक्सप्लोर करने, सैटरडे है क्योंकि, तो लेट्स सी कि आज हम कहाँ जाते हैं। हमने सोचा है बीच पे जाते हैं, तो लेट्स गो टू द बीच फर्स्ट, और दूसरा फिर हमने अपना जहाँ पे घर शिफ्ट करना है वो घर देखना है। सो यस, लेट्स गो। और ये जो है इसमें मैडम अभी तक टीवी ही देख रही है। सो यस, लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ द आउटफिट। अभी तक मैंने शूज़ चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे घर में अभी तक शीशा लगा नहीं हुआ तो सिर्फ आउटफिट चेक करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो जैसे ही हम जो है ना वो कहते हैं शिफ्ट करेंगे, तो चीज़ें जो है ना हम लाना शुरू करेंगे, तो इस शीशे की नहायत शदीद ज़रूरत। हम जल्दी जल्दी से, बहुत ठंडे में, तो हालांकि मैंने कोट पहना हुआ, बट हम शदीद वाली हवा से ठंड में सूरज के ऊपर निकला हुआ है। अभी ना हम जल्दी से 2 मिनट जाएंगे और फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे। इस माँ का हम ऊपरी तरफ उठना बिल्कुल अपने लाइक लगा के शोल्डर से, तो हैप्पी हैप्पी हो जाएगी। यार मेरे ना ऐसे नाक से अंदर हवा जा रही है, तो सांस बंद हो रहा है। आप खींचो, मैं करती हूँ। ओह यस, चलो जी। शशि इसका मुंह अपनी तरफ कर ले बिल्कुल, मेरे हाथ ठंड गए हैं, बिल्कुल नीचे कर ले इसका मुंह। बिस्मिल्लाह, ये स्लिपरी वाला सीन तो नहीं है?
गाइस इतनी तेज़ हवा थी, इतनी ठंड थी कि बस हम यहाँ पे 2 सेकंड रुके और इसमें तुरने लग गई थी और वो वाली शॉट मैं बना नहीं पाई, तो इसलिए मैं इस पर वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रही हूँ कि हम 2 मिनट से ज़्यादा इधर नहीं रुक सके। तो हम जस्ट यहाँ पे 2 मिनट रुके हैं, हमने ऐसे जैसे बस जाके हाथ लगाया और इसमें स्टार्टेड क्राइंग और फिर हम जो है ना वो जल्दी से वापस आ गए गाड़ी में। हमें डर ये था कि कहीं इसमत को ठंड ना लग जाए या मतलब उसको शायद ठंड लग रही थी तो वो रो रही थी, लेकिन द व्यू वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ पे समर्स में आने का ज़्यादा मज़ा आएगा, तो विल कम हियर नेक्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं, बेसिकली हमने शिफ्ट जो करना है ना घर जिस एरिया में करना है वो हम घर देखने जा रहे हैं, तो मैं भी पहली दफ़ा देख रही हूँ। हम आए अपना नया घर देख रहे हैं जिसमें हमने कुछ दिनों में शिफ्ट होना है। हेलो, हम बीच से भाग के वापस आ गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी और इसमें रोने लग गई थी। लेट्स गो, दिस इज द पार्किंग लॉट ऑफ दैट एरिया। अब देखते हैं, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है एक्चुअली। इस तरह से सोसाइटी टाइप लग रही है। लेट्स गो, वो वाला है। हम देख नहीं सकते अभी क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो इट्स फाइन, लेकिन देख लिया थोड़ा बहुत। यार सच्ची यहाँ पे हम ओके पोस्ट बॉक्स लॉन्ड्री वाला भी सीन था, ये था आई गेस। ये पूरी बिल्डिंग है जिसमें मैंने आके कपड़े धोने हैं। ये सारे गिराज हैं। इसमें लुक एट दो चिया, इतनी सारी इसको हम खोलेंगे 15 मिनट के बाद। ये पहली दफा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुकर में खाना बनाना और जैसे सेते। मुझे बहुत शदीद डर लग रहा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? जब ये फटेगा तो क्या करना है? नहीं ये नहीं, 30 मिनट इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है जी इसको दूर रखें यार, इसको पकड़ के वहाँ ले जाएं। अब मैं ओए वो देखने आ रही है क्या? नहीं नहीं आप इसको ले, दूर हो जाए, मैं सैक्रिफाइस कर लेती हूँ अपने आप को। बस मर गई है वो। फाइनली हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इसके साथ। आई गेस मुझे उसको डाल देना चाहिए अंदर, इनफ ब्राउन हो गए है ना। बिस्मिल्लाह, ऐसा चूल्हा हम तेज कर देते हैं। वाओ, एंड दिस कुकर का एक्सपीरियंस जी हमारा बहुत अच्छा रहा है। हैं शजी एक हरी मिर्च तो देना यार। वो चिकन जो अब शजी ने चिकन का एक एक्स मारा है, देना चिकन। वाओ कितनी प्यारी लग रही है दाल शजी। तो गाइस खाना शाना हमने खा लिया, थोड़ा सा डिज़र्ट खाते हैं, आप लोग भी इंजॉय करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।